Da Femen. Rules of quantum electrodynamics. बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और एग्जाम में मोस्टली ये 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है इसमें, डिपेंडिंग अपॉन द यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। तो इसमें होता क्या है कि लिखना ही शुरू करते हैं शुरुआत में। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द एनर्जी मोमेंटम एंड एंगुलर डिपेंडेंस ऑफ वेरियस ट्रांजिशंस इन स्कैटरिंग प्रोसेस भी बोल सकते हैं, हम स्कैटरिंग प्रोसेस। One has to calculate the matrix elements. Now there are certain rules known as Feynman rules by using them we can express the scattering processes in term of Feynman diagrams. That are useful for better understanding of these processes. रूल वन क्या कहता है? इन फेनमैन डायग्राम टाइम किधर जाता है? टाइम रन्स वर्टिकली अपवर्ड। एंड द स्पेस प्रोड्यूस्ड कोऑर्डिनेट इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट।
रोल टू एन इलेक्ट्रॉन, या हम कह सकते हैं एनी फर्मियन। रिप्रेजेंटेड बाय ए सॉलिड लाइन इन स्पेस टाइम नॉन एज वर्ल्ड एक्सटर्नल लाइन पॉइंटिंग इन टाइम। और जो एंटी पार्टिकल होंगे वो किधर करेंगे? एंटी पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए अपोजिट कौन में होगा? पॉजिट्रॉन आर व्यूड एज पार्टिकल्स विद नेगेटिव एनर्जी दैट मूव बैकवर्ड इन टाइम। दीज पार्टिकल्स एंटी पार्टिकल्स आर रिप्रेजेंटेड बाई सेम सॉलिड लाइन बट कैरी एन एरो इन अपोजिट डायरेक्शन। अब तीसरा जो रूल है रूल तीन, ईच फोटोन फील्ड ऑपरेटर इज एसोसिएटेड विद वेवी कह लो या वीजी कह लो वेवी कह लो एक्सटर्नल लाइन। रूल फोर क्या कहता है? डायग्राम में कोई भी पॉइंट एक्स है, द पॉइंट्स ऑन द डायग्राम रिप्रेजेंटेड बाई एक्स और डॉट एट विच पार्टिकल्स आर इंसिडेंट और आर एमिटेड
एमिनेट कह लो या हम उसको क्या कह सकते हैं, क्रिएटेड। या हम अनरिलेटेड भी बोल सकते हैं, कोई जरूरत थोड़ी है। और एनी रिलेटेड, अनरिलेटेड आर नोन एज वर्टिसेस। और वर्टिसेस क्या होता है एक्चुअली, प्लूरल और वर्टेक्स होता है। और ये और बात ध्यान रहे कि द कंजर्वेशन रूल मस्ट बी फॉलोड, द कंजर्वेशन कंजर्वेशन रूल्स शुड बी ओबेड एट वर्टिसेस। अब एक इम्पोर्टेंट नोट आपको याद रखना है कि एक सॉलिड जो लाइन है, जो एंडिंग एट वर्टेक्स वो क्या हो गए, एनी एनिलेशन ऑफ पार्टिकल होगी, यह आपका क्रिएशन ऑफ एंटी पार्टिकल हो सकता है, एंटी पार्टिकल। एंड ए सॉलिड लाइन बिगनिंग एट वर्टेक्स वो क्या होगा, एनिहिलेशन ऑफ एंटी पार्टिकल कह दो, या आप ये कह सकते हो क्रिएशन ऑफ पार्टिकल कह दो। इसका दूसरा सब रूल है नंबर ऑफ फर्मियन लाइंस एंडिंग एट वर्टेक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ फर्मियन लाइंस बिगनिंग एट वर्टेक्स, जिसको हम ये कह सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ फर्मियन नंबर, रोल नंबर फाइव क्या कहता है, द कॉन्ट्रैक्शन या प्रोपेगेटर प्रोपेगेटर ऑफ टू फर्मियों ऑपरेटर्स
इसको कह सकते हैं कि x2 आयटा प्लस ऑफ x2 x1 कंट्रक्शन इज एसोसिएटेड विद ए डायरेक्टेड इंटरनल फर्मियम लाइन सॉलिड लाइन x1 to x2 यानी कि हम कह सकते हैं विद एरो पॉइंटिंग फ्रॉम x1 to x2 रूल नंबर 6 द कॉन्ट्रैक्शन या प्रोपेगेटर ऑफ टू फोटोन ऑपरेटर बेसिकली x1 कॉन्ट्रैक्टर दैट इज आई डी x2 x1 is associated with a Weasley internal photon line connecting x1 and x2. तो यहाँ ध्यान देने वाली ये बात है द फोटोन लाइन चाहे वो एक्सटर्नल हो चाहे वो इंटरनल हो द बियर नो एरो क्यों सिंस द फोटोन इज इट्स ओवर एंटी पार्टिकल दिस इज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन सिमेट्री ऑफ फोटोन प्रोपेगेटर क्या सकता फोटोन प्रोपेगेटर डीएफ x2 minus x1 df x1 minus
But the fermion propagator behaves differently. So, since its field carries a charge up the Feynman propagator, S2 minus S1 describes process where a unit of charge is created at the point X1 and annihilated at X2. This can mean either that a virtual electron moves from X1 to X2, or that a virtual positron moves from X2 to X1. अब वर्चुअल क्यों आया यहाँ पे हमें, तो वर्चुअल इसलिए आया ये वर्ड क्योंकि वो पार्टिकल इनिशियली और फाइनल स्टेट्स में नहीं थे, और वो किसी बीच की कोई इंटरमीडिएट स्टेट के अंदर एमिट हुए या एब्जॉर्ब हुए, वो बीच में किसी प्रोसेस में बने और वो बीच में किसी प्रोसेस के अंदर ही खत्म हो गए, ना तो वो इनिशियली थे ना ही वो फाइनल किसी स्टेट में थे, तो ऐसे इसलिए हमने इनको क्या नाम दिया, वर्चुअल, तो वर्चुअल पॉजिट्रॉन मूव्स. सो ये सभी बुलाकर रूल्स हैं, तो इनको हम थोड़ा सा ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं वेरियस बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द फेमन ग्राफ्स. वेरियस बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ए Feynman graph in quantum electrodynamics. The time axis is upward भाई, थोड़ी आवाज कम करेगा थोड़ी सी, सबसे पहला डायग्राम हमारा एब्जॉर्प्शन
लेसन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय ऑपरेटर बाय पॉजिटिव और यू आर लगता है इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन विद्यान है साई पॉजिटिव ऑपरेटर जो है इन्वॉल्व्स द डिस्ट्रक्शन ऑपरेटर सी आर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे साई पॉजिटिव दूसरा एनिलेशन ऑफ द पॉजिटिव एंड दस रिप्रेजेंटेड बाय द ऑपरेटर साई बार पॉजिटिव या हम इसको ले सकते हैं यू आर सॉरी इट्स वी आर इंसिडेंट रिपोजिट इसलिए क्या होगा हमारे पास इसे जस्ट अपोजिट पॉजिटिव पॉजिटिव और तीसरा क्रिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंटेड बाई कई बार टू या इसको हम लिख सकते हैं यू आर बार पी आउटगोइंग इलेक्ट्रॉन दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव आई बार नेगेटिव नंबर चार क्रिएशन ऑफ ए पॉजिटिव दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय साई नेगेटिव
वी आर बेटा आठ बॉय ये पॉजिटिव उसको लिखने का तरीका है ये पॉजिटिव नंबर 5 एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटॉन रिप्रेजेंटेड बाय एम यू ये हम कर सकते हैं अब सालों में लेक्चर में देख चुके हैं हमारे इंसिडेंट फोटोन या फोटोन एब्जॉर्प्शन सो बेटा क्रिएशन ऑफ ए फोटोन रिप्रेजेंटेड बाय ए म्यू नेगेटिव और एप्सिलॉन म्यू आर से लिख सकते हैं इसको स्टार ये हम पहले प्रीवियस इक्वेशन में कर चुके हैं ये हम वो इंसिडेंट था तो ये आउट गोइंग फोटॉन ये लिख देता हूँ फोटॉन एमिशन एम उसके बाद सातवां इंटरनल फर्मियन लाइन एंड दस रिप्रेजेंटेड बाय फर्मियन प्रोपेगेट टू माइनस एक्स वन ये स्ट्रेट लाइन होती है एक्स वन से लेके एक्स टू तक एक्स टू माइनस एक्स वन इंटर लाइन्स होते हैं इंटरनल फोटोन लाइन
represented by photon propagator which are represented by the DFC x2 x1 photon ko wave photon kya tha wave to ek point propagate rahe ek point se dusre point x1 se leke x2 tak I df x2 से x1 और लेंथ है वर्टेक्स विच कोरेस्पॉन्ड्स टू algebraic factor I iota e gamma mu we have this equation from there to there oh let's look at the vertex